गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम DTS 8 CAM 3/6 का जेईई मेंस का पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपके पास तो यहाँ पे एमाइड दे रखा है। एमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पर आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ध्यान दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका जब एमाइड के साथ रिडक्शन करो तो आपको पता है कि RC डबल बॉन्ड को NH2 का जब भी आप रिडक्शन करो तो इन जनरली आपके पास क्या होता है, RCH को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा ये वाला जो है C डबल बॉन्ड हो NH2 वाला ग्रुप जो है RCH टू NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O तो रहेगा नहीं, वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा, CH2 ग्रुप में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा बेटा? थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते, अगला प्रॉब्लम। बड़ा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन में NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। और यहाँ पे जरा ध्यान दे, NaOH क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास OH दे रखा है और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना। ये वाला क्या करेगा? H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा? O माइनस। अब आपको मालूम होना चाहिए ये वाला क्या करता है, प्लस आई और प्लस एम शो करता है, और प्लस आई और प्लस एम शो करता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसको हटना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा? ओ माइनस, यहाँ से इस जगह से डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपके पास अच्छा, यहाँ पे साथ में CH3 था तो इस जगह पे भी CH3 होगा, इस जगह पे भी CH3 और इस जगह पे भी आपके पास क्या होगा? CH3। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, कौन सा कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देगा? तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या मैंने आपको बताई थी, RC डबल बॉन्ड OCH3 वाला ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन का RC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप होना चाहिए, या फिर अल्कोहल के अंदर CHOH यहाँ पे CH3 वाला ग्रुप होना चाहिए, या फिर एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होना चाहिए CH2, सी डबल बॉन्ड OCH2 सी डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होना चाहिए, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होना चाहिए, तब आपके पास क्या होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी दे दिया एक्टिव मिथिलिन ग्रुप आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये वाले को देखो, इसको अगर ढंग से देखोगे आप तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये OH, ठीक है, इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, अब इसका अगर आप फोटो बनाओगे या फिर इसका वापिस बना दे तो स्ट्रक्चर, इसका आप अगर आप फोटो बनाओगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? OH, इस जगह पे OH, ठीक है, डबल बॉन्ड इस जगह पे डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका अगर आप फोटो बनाओगे तो फोटो मराइज करोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस जगह पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से H इधर की तरफ माइग्रेट हुआ, ठीक है ना, और इधर से ये वाला H इस तरफ चला गया तो इसका मतलब ये वाला आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या है? एक्टिव मिथिलिन ग्रुप आ रहा है, और अगर एक्टिव मिथिलिन ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये वाले के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाला आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आपको प्रॉब्लम क्या पूछा गया? प्रॉब्लम ये पूछा गया कि कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो इसका मतलब आपके पास ये वाला जो है वो आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है? पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है ना, प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 40% एक्वस CHO, ये फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मलिन, सही बात, ठीक है ना, 40% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का वो क्या कहलाता है? फॉर्मलिन कहलाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एसीटाल्डिहाइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बैकलाइट, एकदम सरासर बात गलत है। ठीक है, ऐसी बैकलाइट का फॉर्मेशन के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल का यूज करते हैं। वापिस मैं बता देता हूँ कि पॉलीमर चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे HCHO प्लस साथ में फिनॉल दे रखा है, तो फिनॉल में आपने एल्डिहाइड एंड कीटोल के अंदर अपने लैंडर मैने से रिएक्शन के अंदर हम पढ़ते HCHO और फिनॉल मिलके एक तो क्या बनाता है? नेवोलैक बनाता है, एक आपके पास क्या बनाता है? बैकलाइट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए एसीटाल्डिहाइड का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इस सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आपके पास क्या कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन अगर HCHO की बात करें, HC डबल बॉन्ड OH की बात करें, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं, और अगर अल्फा कार्बन ही नहीं इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है
तो इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे CH3CHO गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, यस, यहाँ पे एल्डिहाइड जो है जनरली क्या करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देते हैं, तो एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आपको पूछा गया क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, एक तो फर्स्ट हो जाएगा, एक आपके पास कौन सा होगा, फोर्थ, इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ जो आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है मैडम, चलो नेक्स्ट चलते अपने आगे। अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना। ठीक है, देखिए 100% एसिटिक एसिड फ्री ऑफ H2 इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपको पता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, 100% एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ओलिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, एक नाम सुना होगा स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड क्या होता है, C17H35COOH, ये तो क्या है, स्टेरिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर दो वाटर के मॉलिक्यूल अगर आप हटा देते, तो वाटर के मॉलिक्यूल हटाओ, सॉरी हाइड्रोजन हटा दिया, तो हाइड्रोजन हटाओ तो C17H33COH, ये वाला आपके पास क्या होगा, ओलिक एसिड होगा, और ओलिक एसिड होगा इसका मतलब क्या हुआ कि ओलिक, इसके अंदर से आपने हाइड्रोजन को हटाया, तो मतलब इसके अंदर से आपने क्या किया, डीहाइड्रोजनेशन किया, और डीहाइड्रोजनेशन किया वाटर, हाइड्रोजन अगर हटाओगे तो उसमें आपके पास क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या होगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ओलिक एसिड क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, गलत स्टेट में ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, जबकि स्टेरिक एसिड जो होगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। ठीक है, आगे देखिए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाहिर सी बात है आपके पास RCOH दे रखा है, इसके अंदर नंबर ऑफ आप कार्बन अगर बढ़ा देते हो तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा तो जब भी हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, आपके पास डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब आपके पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस कह रहा है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, सही होगा, स्टेटमेंट सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड वाला सही होगा, ये जो ऑप्शन थर्ड के अंदर मैच करेगा। ठीक है बेटा, आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास इसको हीटअप कर रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक ही कार्बन पर दो CH ग्रुप आ जाए, एक ही कार्बन पे क्या जाए, दो CH ग्रुप, अगर इसको हीटअप किया जाए तो CO2 गैस लिबरेट आउट होती है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, CH COOH बन जाए। वापिस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूँ कि जब भी एक ही कार्बन पे दो CH ग्रुप आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से आप CO2 गैस हटाओगे। अब देखो अगर मैं यहाँ से CO2 हटा दूं, यहाँ पे एक कार्बन पे दो CH आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे COOH हटा दूं ये वाला, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा D, इधर H, और यहाँ पे क्या आएगा PH। ठीक है, सेम मैं ये वाला भी CH3 तो हटा सकता हूँ, अगर मैं ये वाला हटाता हूँ तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, इधर की तरफ H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा CH, यहाँ पे CH3, इस जगह पे आपके पास HD, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा PH। अब इन दोनों को देखोगे एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और एक दूसरे को सुपरइम्पोज नहीं करेंगे, एक दूसरे को मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे को सुपरइम्पोज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टेरोमर्स होंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, बेंजल्डिहाइड की CrO2, सॉरी टोलिन की CrO2Cl2 के साथ, बहुत पॉपुलर रिएक्शन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, सीक्वेंस के अंदर बहुत बार दे देते, तो सिंपल सी रिएक्शन है कि टोलिन का ऑक्सीडेशन कराओगे और बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में अगर CrO2Cl2 लेते हो, क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इटार्ड रिएक्शन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, 4। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट चलिए, यस डिबाल एच, देखो डिबाल एच के बारे में अक्सर पूछा जाता है, डिबाल एच जो है केवल और केवल एक तो एल्डिहाइड को, ध्यान दें सॉरी एस्टर को एंड नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन करता है। वापस मैं अपनी बात को रिपीट कर लेता हूं कि डिबाल एच जो है वो केवल और केवल किसके एस्टर को एंड CN मतलब C(NN) को पार्शियल रिड्यूस करता है, और जब इसको रिड्यूस करता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड प्लस साथ में किसमें कन्वर्ट होगा, ROH में, और ये वाला रिड्यूस होकर किसमें चल जाएगा, अगेन CHO प्लस साथ में अमोनिया बन जाती है। ठीक है, जब आप आगे हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ठीक है, तो यहां से रिड्यूस कौन होगा, CN रिड्यूस होगा, CN रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट होगा, CHO, और ये वाला आपके पास क्या है, आपके पास एस्टर वाला ग्रुप है, और इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे क्या है H, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, आपके पास 2 के बराबर आ जाएंगे, तो इसलिए आंसर आपके पास कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते आगे, यहाँ पे आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, बेसिकली अगर मैं
यहाँ पे एसीटोन दे रखे, एसीटोन के 3 मोल को ट्राइमराइज करो, कंडेंसेशन करो कॉन्क H2SO4 के साथ, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास कौन सा बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेसिटाइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मेसिटाइलिन। ठीक है, तो मेसिटाइल वाला ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा, थर्ड वाला। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलिए। अगला प्रॉब्लम क्या क्या है, ये वाला देखिए। यहाँ पे OH- के साथ एल्डिहाइड की OH- के साथ रिएक्शन करो, एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, एल्डो कैनिजारो रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये बेस दे रखा है और अल्फा हाइड्रोजन होता उस कंडीशन में हम क्या कराते, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराते, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन के अंदर एक स्पीसीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरी स्पीसीज का आपके पास क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे आपके पास H+ दे रहा है, तो जाहिर सी बात है H+ दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH2OH आएगा। आगे देखिए, एसिडिक मीडियम के साथ हीटअप कर रखा है, और जाहिर सी बात है अगर एसिडिक मीडियम के साथ हीटअप कर रखा है तो ये वाला जो है OH किस जगह पे, आपने नाम सुना होगा अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अल्कोहल इस सेंटर पर अटैक करेगा, इसको डिस्प्लेस कर लेगा, तो यहां से आपके पास जो ऑप्शन मैच करेगा वो केवल और केवल कौन सा करेगा, फोर्थ। इसलिए आपके पास आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते अगला प्रॉब्लम। देखो ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन बेसिकली पॉपुलर रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन की, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन की रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओगे तो लॉन पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेस बेस का काम करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास लिविंग ग्रुप फट जाएगा, और लिविंग ग्रुप फटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, और आपको मालूम होना चाहिए इसका मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, फिर बाद में कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट कराओगे, और रीअरेंजमेंट कराओगे तो इसका मतलब क्या है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कार्बोकैटायन, और आपको मालूम होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम हीटअप करा कर तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा, और H+ रिलीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो ये वाला जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो आपके पास कौन सा कर रहा है, सेकंड के अंदर मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहले हम क्या करें, करेक्ट की पहचान कर ले। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। देखो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो प्रॉब्लम करते समय आपको ये ध्यान होना चाहिए, स्टेटमेंट को आप पूरा ढंग से पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या कर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखो ग्लिसरॉल इज डाइहाइड्रिक, ग्लिसरॉल जो होता है यहाँ पे 3 कार्बन के साथ OH होता है, तो ये बेसिकली ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नॉट डाइहाइड्रिक, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, देखो इथेनॉल जो है, इथेनॉल जरा ध्यान दीजिए, इथेनॉल प्लस वाटर का जो मिक्सर है, ध्यान देना भाई, इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सर एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करता है, स्पेशल ध्यान दे। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि वाटर के अंदर, अकेले वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन अगर इसके अंदर इथेनॉल मिला देते हो तो इथेनॉल मिलाने के कारण क्या करता है, ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, कम कर लेता है। तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करेगा तो इसका मतलब वो क्या होता है, एक तरह से इजिली बॉयल हो जाता है, और वेपर प्रेशर आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिविजन शो करेगा, क्या करेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिविजन शो करता है तो इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑल ओवर क्या होता है, बढ़ता है। बाय द वे इसका 50 ml दे रखा है, और इसका आपके पास 50 ml दे रखा है, तो दोनों का मिक्सर का जो होगा वो 50 + 50 कितना, वो 100 ml से आपके पास क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया लेसर, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला देखिए, प्रोपेनॉल हैज हाई बॉन्डिंग देन ब्यूटेन, और जाहिर सी बात है मिथ इथ प्रोपर ऑल दे रखा है, और ब्यूटेन में आपके पास 4 कार्बन, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, सही, गलत स्टेटमेंट पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए आंसर कौन सा है बड़ा, सेकंड। चलो नेक्स्ट देखिए आगे, अगला प्रॉब्लम क्या है, CH3OH एंड C2H5OH कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, आपको बताना है कि डिस्टिंग्विश करते समय आपको यह ध्यान होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रिएजेंट लेते, उस पर्टिकुलर रिएजेंट पे तो एक कंपाउंड तो है रिएक्शन कर लेते, दूसरा कंपाउंड रिएक्शन नहीं करते, इस चीज को ध्यान रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ध्यान दीजिए। सोडियम और पोटेशियम एसिडिक हाइड्रोजन के साथ दोनों ही रिएक्शन कर लेगा तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए I2+NH, आपको मालूम होना चाहिए ये रिएजेंट जो है आइडोफॉर्म टेस्ट का, किसका है, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, जबकि ये वाला CH3CH2OH की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और एल्कोहल में अगर ये वाला ग्रुप मौजूद होता है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है,
इसमें ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक टेस्ट देगा, जबकि ये वाला नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या है, आप बस इसको यूज कर सकते हैं एस किसके लिए, मिथेनॉल और इथेनॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसलिए आंसर कौन सा आएगा बेटा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला। आपके पास क्या क्या है, देखिए यहाँ पे सी एस थ्री इन जनरल जरा ध्यान दीजिए, आर एन एच टू दे रखा है अगर, और आर एन एच टू की एच एन ओ टू के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्कोहल मिलता है इन जनरल। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है किसका, सी एस थ्री अगर एन एच टू ले तो यहाँ पे स्टीयरिंग इंटरेस्ट थोड़ी सी कम होती है, स्टीयरिंग इंटरेस्ट कम होने की वजह से जो एल्कोहल बन जाता है वो वापिस इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, तो इससे आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है ना, इस कंडीशन में आपके पास कौन सा बनता है, इथर वाला प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान दे, नॉर्मली अगर कोई आपके पास वन डिग्री अमीन दे रखा हो HN2 के साथ रिएक्शन करने के लिए बोले, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या मिलता है, एल्कोहल मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसके साथ, मिथेन अमीन के साथ रिएक्शन करूं, तो मिथेन अमीन के केस में मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास क्या बनता है, इथर का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है एक तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात काम की है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखे एच आई के साथ कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूटेड, तो कंसंट्रेटेड है या फिर एनहाइड्रेट कंडीशन, दोनों कंडीशन लेके देखिए एक बार, ठीक है। कंसंट्रेटेड में जनरली एस एन वन की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और एस एन वन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो आपके हिसाब से ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन बेटा इस जगह पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, वजह क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास थ्री मेंबर रिंग के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और थ्री मेंबर रिंग के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें डांसिंग रेजोनेंस हो जाए, ठीक है। अच्छा SN2 भी करोगे तो देखो, पहले देखो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बड़ा, फर्स्ट H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस जगह पे आपके पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ऐसा आएगा, फिर I- अटैक करेगा, अब SN1 के थ्रू करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, और SN2 के थ्रू भी करता है तो भी इस कंडीशन में यहाँ पे स्टीयरिंग इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, जबकि यहाँ पे स्टीयरिंग इंटरेस्ट क्या है, कम है, तो इस जगह पे अटैक होगा। तो अल्टीमेटली आप चाहे SN1 लो चाहे SN2 लो, उस कंडीशन में आपके पास अटैक यहीं पे होना है, और अगर अटैक यहीं पे होना है तो इसका मतलब आपके पास ये वाला प्रोडक्ट और वन मोल दे ही रखा है, अगर टू मोल देता तो इसके साथ भी आगे रिएक्शन हो जाती है, लेकिन वन ही मोल दे रखा है, इसलिए आपका आंसर कौन सा जाएगा बड़ा, सेकंड चला जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। आपको ये बताना है केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन चीज क्या, ठीक है। बोथ आर स्लो प्रोसेस, बोथ आर रिवर्सिबल प्रोसेस, बोथ आर नॉन स्पेसिफिक नेचर, बोथ आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मोस्ट प्रेफर्ड फोर्थ आर, क्यों कि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, फिजिकल भी हो जाएगा और केमिकल भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ी ध्यान, रिवर्सिबल केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है थोड़ा सा इरिवर्सिबल होता है और स्पेसिफिक नेचर होता है, इस वजह से ये वाले आंसर नहीं आ सकते, इसलिए फोर्थ मोस्ट प्रॉपर आएगा, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज करते हैं, V2O5 में यहाँ पे आपको बताओगे SO2 प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब आपके पास क्या बनता है SO3, उस प्रोसेस के दौरान आपके पास क्या बनता है V2O5 एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है बड़ा। चलो आगे देखिए, ये देखो कैटलिस्ट यूज इन सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम वाटर गैस, ये जेई मेंस के अंदर आपको एल्कोहल फिनॉल इथर के अंदर प्रॉब्लम पूछी गई, ध्यान दें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिथेनॉल में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर कैटलिस्ट के रूप में ZnO प्लस साथ में Cr2O3 का यूज किया जाता है, स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते आगे, यहाँ पे सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, आपको क्या बताना बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट बताना, गलत कथन बताना, ठीक है। चलो देखते, सबसे पहले ब्राउनियन मूवमेंट एंड टाइनल इफेक्ट शोन बाय टू सॉल्यूशंस, ठीक है ना, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टाइनल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन द्वारा शोन होते हैं, यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन द्वारा बता रहे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए, सॉर्प्शन प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, जाहिर सी बात है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के कॉम्बिनेशन कंबाइंड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हार्डी सुलजे लॉ, हार्डी सुलजे लॉ इज रिलेटेड टू कोगुलेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ठीक है, ये बात सही, ठीक है। आगे क्या कहा, हायर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी प्रोटेक्ट, ये गलत बात, गोल्ड नंबर जो है जितना ज्यादा होगा प्रोटेक्टिव पावर आपके पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि कम अमाउंट में आपको लेना होता है, ठीक है। तो आपके पास गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ हो जाएगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है आपके पास,
देखो फ्रेंडली चाय सिर्फ हम दे रहे हैं, और आपको देखो ये सबसे बड़ी बात क्या है, आपको फॉर्मूला भी दे रहा है, ठीक है, कि फॉर्मूला याद भी नहीं, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, ठीक है बेटा। चलो अब देखिए इसमें लॉग लेते, क्योंकि लॉग एक्स बाई एम अपॉन लॉग पी के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई एन लॉग पी प्लस, यहां से क्या आएगा लॉग पी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो है अपने पास क्या है वाई एक्सिस पे, ये अपने पास क्या है एक्स एक्सिस पे, तो यहां से आपके पास क्या मिलता है 1 बाई एन जो है वो आपके पास स्लोप मिलता है, ये स्लोप एक तरह से, और स्लोप है, और स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा हम यहाँ पे क्या लिखाते हैं 4/8, ठीक है ना, तो 4/8 तो 1/n इज इक्वल टू 1/2, तो n की वैल्यू आपके पास कितने की 2 के बराबर है, कि n की वैल्यू 2 के बराबर, ठीक है बेटा। चलो आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस क्या कह रहा है कि लायोफिलिक सॉल के अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको फोर्थ ऑप्शन सीधा सीधा दे रहा है, दे रहा है सेल्फ स्टेबलाइज, लायोफिलिक जो होता है लायोफिलिक, लायोफोबिक सेल्फ स्टेबलाइज नहीं होते, लेकिन लायोफिलिक जो होते हैं सेल्फ स्टेबलाइज जो होते हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलो आगे देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर इज डबल एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस बाय, ठीक है, तो यहां पे देखो आपको पता है वी आर एम एस या फिर वी एवरेज जो है वो रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, वी एवरेज रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम बात करते हैं तो अपने क्या किया, अपने क्या किया कि टेम्परेचर को क्या किया, जस्ट डबल किया, तो टेम्परेचर को जस्ट डबल किया, तो हम यहाँ पे वी डैश मान लेते, तो वी डैश प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर को डबल कर लिए, तो रूट टी लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड लीजिए, वी डैश अपॉन वी डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताइए, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा रूट टू आ जाएगा, तो वी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आएगी रूट टू इंटू वी, और रूट टू की वैल्यू होती है 1.41 इंटू वी के बराबर आएगा, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1.4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इतने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलिए, इफ द सेम टेम्परेचर द एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन टू एन, आपको टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मोलर मास भी आपके पास दोनों का क्या है सेम आ एन टू और सीओ टू, सीओ का एन टू कितना होता है 28, ठीक है ना, और इसका भी आपके पास क्या आएगा 28 आएगा, दोनों का मोलर मास भी सेम है, और टेम्परेचर भी आपके पास क्या क्या दे रहा है सेम दे रहा है, टेम्परेचर भी सेम दे रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी बराबर आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन टू इज, आपके पास दो आपको एक तो यहाँ का टेम्परेचर बताना है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन एट ऑफ एन टू इतने टाइम्स दे रहे थे आपके पास इसके मुकाबले, ठीक है, तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो पी ए डिवाइड बाई रूट टी एम के, इस तरीके से रेट यहाँ पे प्रेशर और एरिया और यहाँ पे आपके पास क्या है टेम्परेचर एंड मोलर मास दे, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर वन डिवाइड बाई आर टू इज इक्वल टू रूट आपके पास टी टू, ठीक है, और साथ ही साथ क्या आएगा आपके पास यहाँ पे क्या आएगा एम टू अपॉन टी वन इंटू आपके पास क्या आएगा एम वन आएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट अप करनी और वैल्यूज पुट अप करके आप इजिली सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट चलिए आगे देखिए, इज गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर, गैस जो है हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाते, जाहिर सी बात है टेम्परेचर लोगे तो मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसलिए वो रियल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, आइडियल गैस के पार्टिकल जो है वो क्या नहीं होते, एक तरह से आइडियल गैस में अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्ट बना दो, इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि आइडियल गैस से क्या होती है डेविएट हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉलिटेंट, कॉमन पॉलिटेंट कौन सा नहीं, आपको पता है सिंपल N2O5 जो है वो कॉमन पॉलिटेंट नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट चलिए आगे, इन द एयर N2 एंड O2 अकर नेचुरली बट देखो देखो एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होने के बावजूद भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, बिकॉज क्योंकि N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है प्लस साथ में O2 है, इन जनरल ये वाली जो रिएक्शन जब ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, तो ये वाली रिएक्शन जो होती है हाईली एंडोथर्मिक होती है भाई, ध्यान दे हाईली एंडोथर्मिक, इवन इसमें टेम्परेचर लगभग लगभग 3000 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड का अबाउट टेम्परेचर लेना होता है, तो ये रिएक्शन ज्यादा एंडोथर्मिक होने के कारण ईली क्या नहीं करते ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, और वैसे आपको देखा आप वैसे लगेगा N2 एंड O2 डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है अपनी बात सही है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे तो क्या हो जाती है रिएक्शन कर लेती, ठीक है ना, तो हाई टेम्परेचर इतना वहां पे नेचर के अंदर होता नहीं, 3
3000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होता ना, तो इस वजह से आपके पास क्या नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि आपके पास क्या आएगा, एंडोथर्मिक वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आगे प्रॉब्लम क्या कह रहा है। द कंपाउंड फॉर्मड इन द पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन लेसरगेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेसरगेस सॉल्यूशन में आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि S-2 जो है, ठीक है, वहां पे सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम नाइट्रोक्साइड बेसिकली FeCN5 और यहाँ पे क्या होता है NO होता है। ठीक है, और बैलेंस करो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा Na2I। ठीक है, चल आगे देखते हैं। ये वाला क्या करता है, S-2 जो है ना, NO यहाँ पे पॉजिटिव की फॉर्म होता है, S-2 जो है वो इस सेंटर पे अटैक करता है, तो यहाँ पे क्या बनाता है NOS- बनाता है। ठीक है ना, और NOS- बनाएगा तो इस वजह से आपके पास क्या बन जाएगा, एक तरह से ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3। डायरेक्ट आपको याद रखना है बेटा कि ये नाइट्रिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, चलो आगे देखिए। ऑर्गन इज एन इनर्ट गैस यूज्ड इन लाइट बल्ब टू रिटार्ड द वेपोरेशन ऑफ कंडक्शन फिलामेंट। ए सर्टेन लाइट बल्ब कंटेनिंग आर्गन एट 1.2 एटीएम, ठीक है, हीटेड टू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम क्या दे रहे हैं बेटा, कांस्टेंट दे रहा है। और फाइनल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आपको पता है PV=nRT का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट देता है तो P इज प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कह सकते हो P1/P2=T1/T2 क्या आएगा, T1/T2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब प्रेशर देखो, प्रेशर आपको P2 तो निकालना है। ठीक है ना, और इनिशियल प्रेशर कितना दे रहेगा बताइए, इनिशियल प्रेशर 1.2 दे रहे थे। ठीक है, इजिकल T1 की वैल्यू देखो, T1 की वैल्यू आप देखो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रही है, लेकिन आपको किसमें लेनी, केल्विन में लेनी, तो 273+18 यहाँ पे कितना हुआ 111। ठीक है, और यहाँ पे 9291। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या ऊपर की तरफ 291 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 273 प्लस कितना दे रखा 85, और यहाँ पे कितना हुआ 358। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम सेक्शन डी है, इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास क्या कह रहे थे, नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव, आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो देखिए बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, मैंने आपको कंडीशन बता दी थी, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, इसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ये वाला दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, ये वाला नहीं देगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड उस CH3 ग्रुप में। ठीक है, ये वाला दे देगा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, और ये वाला भी दे देगा भाई। ठीक है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड उस CH3 ग्रुप आ रहा है, इसमें आपके पास कितना आएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 आ जाए। ठीक है बेटा, इसमें आपके पास आंसर कितना आएगा, 4 आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते आगे देखिए। नंबर ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट आपको क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, हेवियर गैस इजीली डिफ्यूज थ्रू हॉल, सही बात है, गलत बात है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है √m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और √m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि हेवियर गैस इजीली डिफ्यूज नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, फिर बात है VRMS is always greater than VMT for the particular gas at constant particular temperature। आपको मालूम होना चाहिए R VRMS। ठीक है, VRMS की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, √3RT/m, और जबकि VMP की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है अपने पास, √2RT/m। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए गैस भी सेम, लेकिन मतलब मोलर मास भी सेम और टेम्परेचर भी सेम, और R की वैल्यू आपके पास सेम होती है, तो यहाँ पे √3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है √2R, तो इसका मतलब √3 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब की बात क्या है कि VRMS की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, VMP से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो VRMS की वैल्यू जो है वो VMP से ज्यादा होगी, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, सही हो गया। आगे देखिए, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, गलत बात, यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे क्या करता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है रियल गैस। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको क्या पूछा है, बोल्स लो ऑफ इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देखिए बड़ा आपको मालूम होना चाहिए BT का मतलब बोल्स लो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या करता है, वर्क करता है, ये होता है CP, चार्ज लो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पे पूछा गया कि बोल्स लो ओबी से कॉन्स्टेंट प्रेशर, गलत बात है, इसका मतलब आपको पूछा क्या गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट की बात की, रॉन्ग स्टेटमेंट कितने आ रहे 3, तो आंसर कितना बड़ा 3। ठीक, चलो आगे चलते, नेक्स्ट नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपको बता, देखिए ट्रू सॉल्यूशन शो टाइंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक गलत बात, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते जनरली, कौन से करते हैं, इन जनरल आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन करते, तो ये स्टेटमेंट वैसे क्या हो गया, गलत हो गया।
इथेनॉल रिटार्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, देखो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करा दो, CHCl3 का ऑक्सीडेशन करा दो, तो आपके पास क्या मिलता है, आपके पास फॉस्जीन मिलती है। ठीक है ना, और इसका ऑक्सीडेशन को रोकना है तो एज ए इथेनॉल को नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में यूज करते, तो बात सही। ठीक है, आगे देखो, वाटर गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर मिथेनॉल, कोई बड़ी बात है नहीं, CO+H2 है। ठीक है ना, और इसको वाटर गैस कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ZnO+Cr2O3 लेता हूँ तो यहाँ से आपके पास क्या मिलता है, मिथेनॉल CH3OH का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल स्टेप जो आएंगे वो कितने आएंगे आपके पास, 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते आगे, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब आप पास टॉलरेंस रीजन के साथ कौन सा रिएक्शन कर लेता है, ये वाला कर लेगा क्या, ये वाला कीटोन नहीं करते भाई। ठीक है, एल्डिहाइड कर लेते, ठीक है, ये वाला कीटोन नहीं करेगा, ये वाला भी आपके पास क्या नहीं, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, आगे इसको देखिए, अगर मैं ये वाला लेता हूं ना बेटा, इसके अंदर टॉलरेंस रीजन के अंदर बेसिक मीडियम लेते, पर बेसिक मीडियम ले तो बेस H+ को लेगा, H+ को लेगा तो माइनस आएगा और ये यहां से हट जाएगा, और ये यहां से हट जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड और यहां पे H है, तो एल्डिहाइड बन जाएगा भाई, और एल्डिहाइड बन जाएगा, जरा ध्यान दें, एल्डिहाइड बन जाएगा, तो एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट देता है, जबकि इसके अंदर आपके पास कीटोन बनता तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा। अच्छा इसको देखिए, इसमें ये यहां से H+ को लेगा, ये नहीं देगा, यहां से H+ लेगा तो माइनस, ये यहां से रिमूव होगा, ये यहां से हट जाएगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O H बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या, एल्डिहाइड बन गया, और बेस की प्रेजेंस में अगर एल्डिहाइड बन जाता तो एल्डिहाइड तो ये वाला टेस्ट देता, तो मतलब ये वाला दे देगा, जबकि यहाँ पे इन दोनों में आपके पास कहीं पे भी H नहीं, अगर एक भी H+ होता ना तो H+ ले लेता, वहां से रिमूव कर लेता, और अगर एल्डिहाइड बनता तो उस कंडीशन में ये वाला टेस्ट देता, तो आपके पास टेस्ट देने वाले कंपाउंड कितने, 1, एक तो ये हो गया, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव स्टेंट वाइट टर्बिडिटी विद लुकास रीजन, ध्यान दें, वाइट टर्बिडिटी की अगर बात करें तो वाइट टर्बिडिटी में ध्यान दें, लुकास रीजन के साथ 3 डिग्री वाला जो है, लुकास रीजन में जल्दी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते तो कौन सी रिएक्शन होती है, SN1, और SN1 रिएक्शन के अंदर ध्यान दें बेटा कि आपके पास 3 डिग्री वाला जो है अल्कोहल वो वाइट तुरंत वाइट टर्बिडिटी देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो 3 डिग्री कार्बन कटन और 3 डिग्री से स्टेबल ज्यादा स्टेबल कार्बन कटन जो है वो क्या कर लेगा आपके पास स्टेंट वाइट टर्बिडिटी देता, ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल ये नहीं देगा, ये 3 डिग्री वाला दे देगा। अच्छा ये वाला जो है कार्बो कटेन की अगर बात करो ना तो ये रेजोनेंस में आएगा, और रेजोनेंस में आएगा तो 3 डिग्री कार्बो कटेन से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर 3 डिग्री कार्बो कटेन से ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब क्या होगा, स्टेंट वाइट टर्बिडिटी देता। अच्छा ये भी देखिए, ये भी कार्बो कटेन जो है वो क्या करेगा, 3 डिग्री कार्बो कटेन से क्या है ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल है इसलिए क्या करेगा आराम से दे देगा, ये वाला आपके पास कौन सा है 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। अच्छा ये तो आपके पास रेजोनेंस में आ रहा है, रेजोनेंस मानने की वजह से OH यहां से रिमूव हो गए नहीं, तो ये तो वैसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका मतलब आपके पास कितने होंगे, 1, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते, थैंक यू वेरी मच।